आज मैं बनाने जा रही हूँ सूरत की एक स्पेशलिटी जो हर कोने में मिलती है। इट्स अ वेरी पॉपुलर स्ट्रीट फूड फ्रॉम सूरत। इट्स कॉल्ड सूरती लोचो। सो देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने ली है एक कप चने की दाल और उसमें एक टेबलस्पून उड़द की दाल, जिसे मैंने 5 से 6 घंटे तक भिगा दिया और सारा पानी निकाल दिया है। डालते हैं दाल को मिक्सर जार में। इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून चने का आटा या बेसन, 3 हरी मिर्ची और 1 टुकड़ा अदरक का, 1/2 कप पोहा जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है, 2 चम्मच दही और इन सारी चीजों को एक कोस पेस्ट में हम पीस लेंगे। दाल पीस के रेडी है। अब इसमें डाल लेते हैं 2 कप पानी। इसे अच्छे से मिला ले। अब हम इस घोल को कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। बैटर 5 घंटे के लिए फर्मेंट हो चुका है और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें डाल लेते हैं 1/1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नींबू बैटर को अच्छे से फेंट ले। और अब हम इसे एक 10 इंच की थाली में डाल देते हैं। बैटर को एक पतले लेयर में फैला ले और अब हम इसे रखते हैं स्टीम करने 15 मिनट के लिए। इसे छिड़कने के लिए हम एक मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली हुई है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मसाला मिक्स है तैयार। ये हमारा लोचो स्टीम होके रेडी हो चुका है। इसे कर लेते हैं प्लेट। गरम गरम ही सर्व करें घी और हरी चटनी के साथ। डू ट्राई दिस रेसिपी, कमेंट बिलो एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।